हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव सोर्स। मेरा नाम है शुभांगी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉटरी मशीन के बारे में। तो कॉटरी मशीन के दो टाइप्स होते हैं, बाइपोलर एंड मोनोपोलर। तो बाइपोलर जो उसका नाम है, वो कॉटरी पेंसिल जो यूज़ की जाती है बाइपोलर कॉटरी में, तो उसके दो पोल्स होते हैं इसलिए उसको बाइपोलर कहते हैं। और मोनोपोलर कॉटरी में सिंगल पोल होता है, इसलिए कॉटरी पेंसिल का सिंगल पोल होता है इसलिए उसे मोनोपोलर या यूनिपोलर कॉटरी कहते हैं। तो दोनों कॉटरी का यूज़ सर्जरीज में किया जाता है, लेकिन बाइपोलर कॉटरी में ओनली कोएगुलेशन होता है, उसमें कट नहीं कर सकते हैं। और जो मोनोपोलर कॉटरी है उसमें सिंगल पोल रहता है, तो वो ब्लेड का भी काम करता है कटिंग का, एंड कोएगुलेशन का भी काम करता है। तो इसलिए दोनों कॉटरी का यूज़ सर्जरी में इस तरह से किया जाता है, कोएगुलेशन एंड मोनोपोलर कॉटरी का यूज जो है वो कट एंड कोएगुलेशन फॉर बोथ। तो आज हम डेमोन्स्ट्रेशन देखने वाले हैं कि कॉटरी मशीन कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं एंड हाउ इट विल वर्क। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारी कॉटरी मशीन है, इसको जो है हम कॉटरी मशीन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये बाइपोलर का पोर्शन आता है, BIP लिखा है इस पर, दैट इज़ बाइपोलर। और इधर जो है कट एंड कोएगुलेशन, ये पूरा जो पोर्शन आता है दिस इज़ मोनोपोलर। तो बाइपोलर में क्या है कि बाइपोलर में मैंने पहले आपको बताया है कि जो कॉटरी पेंसिल यूज़ की जाती है वो दो पोल्स की रहती है, यानी सेम अपना जो फोरसेप रहता है उस टाइप से। तो मोनोपोलर में जो है ये ऐसे ब्लेड टाइप उसका टिप रहता है, इसको बोवी टिप भी बोलते हैं। ओके, लाइक दिस। और ये जो है इस पर दो बटन्स रहते हैं, येल्लो एंड ब्लू। तो येल्लो जो बटन रहता है वो कट के लिए यूज़ किया जाता है, एंड ब्लू बटन जो रहता है वो कोएगुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों बटन अलग अलग तरीके से आप लोग ऑपरेट करते वक्त यूज़ कर सकते हैं, फॉर कट एंड फॉर कोएगुलेशन। और ये सिंगल पोल ही रहता है, लाइक दिस। और जो बाइपोलर पेंसिल रहती है वो यहाँ पे उसको दो पोल्स रहते हैं, लाइक फोरसेप। तो वो पकड़ के, टिश्यू को पकड़ के आप लोग उसे कोएगुलेट कर सकते हैं। तो ये जो है कॉटरी पेंसिल हमको यहाँ पे अटैच करनी पड़ती है, यहाँ पे। अभी मैं अटैच नहीं करने वाली हूँ, आपको जस्ट दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत आवाज़ आएगा इसलिए यहाँ पे अटैच करते हैं। और जो जब भी हम लोग बाइपोलर यूज़ करते हैं, तो बाइपोलर के वक्त कभी भी पेशेंट को कॉटरी पैड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे फुट पैड रहते हैं। जो फुट पैड रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं, एक कट का येलो कलर का रहता है और कोएक का ब्लू कलर का रहता है। तो ये पैर से सर्जन लोग ऑपरेट करते हैं, तो ये नीचे रहता है। तो इस तरह से जब भी हम लोग बाइपोलर यूज़ करते हैं, तो पेशेंट को सिर्फ फुट पैड का यूज़ किया जाता है, कॉटरी पैड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब हम मोनोपोलर कॉटरी का यूज़ करते हैं, तो उसमें पेशेंट को पैर को हम लोग काफ पे फुट पैड कॉटरी पैड लगाते हैं। और ये जो कॉटरी पैड है, तो ये जो फुट पैड है ये हम लोग पेशेंट के पैर के नीचे काफ पे लगाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे अटैच करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अटैच करने के बाद, यानी फुट जब मोनोपोलर आप यूज़ करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है आपको फुट पैड का कनेक्शन और कॉटरी पेंसिल का यहाँ पे कनेक्शन, ये दोनों कनेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपकी कॉटरी मशीन ऑपरेट होती है और सर्किट कंप्लीट होता है। तो मोनोपोलर में क्या है कि कॉटरी पैड लगाने से जो भी आप मशीन से जो करंट पेशेंट के बॉडी में पास करते हो कट एंड कोएगुलेशन के लिए, तो वो रिटर्न पेशेंट के बॉडी से कॉटरी पैड के थ्रू मशीन में आ जाता है। और बाइपोलर में हम लोग कॉटरी पैड इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हम पेशेंट के बॉडी में करंट पास नहीं करते हैं, ओनली कोएगुलेशन के लिए वहाँ तक ही करंट पास होता है, पेशेंट के बॉडी में पास नहीं होता है, इसलिए हमें कॉटरी पैड लगाने की बाइपोलर में ज़रूरत नहीं है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि बाइपोलर कैसे वर्क करते हैं और मोनोपोलर। इसके बाद आता है कि इसके जो मोड है, पावर है, ये कैसे सेट करना है। तो बाइपोलर के भी अलग अलग मोड, बाइपोलर में ये दो मोड आपको दिखेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो। इसमें माइक्रो में आपको अगर बहुत ही स्मॉल टिश्यूज, बहुत ही स्मॉल और ग्लैंड्स रहते हैं, जैसे थायरॉइड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, इसमें माइक्रो मोड का यूज़ किया जाता है माइनर स्टेज पे। और यहाँ पे देखिए, पावर कम ज़्यादा कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर यू कैन एडजस्ट दिस पावर। और मोनोपोलर में भी सेम, आपको एक्चुअली 30-35 के बीच में हम लोग ये सेट करते हैं कट और कोएक का मोनोपोलर में। तो फिर भी हम लोग जब भी कॉटरी सेट करते हैं और सर्जरी के लिए उसका यूज़ करते हैं, तो एक बार डॉक्टर से बोलना है आपको कि ये पावर पे सेट है, और आपको अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो पहले ही बोल देना है। तो ऐसे इस तरह से आप लोग
कॉटरी का पावर भी सेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको रेड लाइट दिख रहा है, ये रेड लाइट क्यों है, क्योंकि अभी कॉटरी ऑन है और हमने इसको कुछ भी अटैच नहीं किया है, ना कॉटरी पैड अटैच किया है यहाँ पे, ना हमने कॉटरी पेंसिल अटैच किया है, इसलिए ये रेड है। जब भी हमारा पूरा कॉटरी मशीन सेट होता है तो इसका लाइट ग्रीन हो जाता है और ये ऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाती है। तो हमें इस पर भी ध्यान रखना है कि अगर रेड लाइट है इसका मतलब कॉटरी में कुछ तो भी एरर है, बराबर से वो वर्क नहीं कर रही है। तो इस तरह से आपको पूरा कॉटरी मशीन का ध्यान रखना है। ये इसका मेन पावर ऑफ पावर ऑन का बटन है, तो इस तरह से आप कॉटरी मशीन को ऑफ भी कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप पेशेंट यानी सेक्शन चल रहा होता है, सर कोई भी सर्जरी चल रही होती है और आप कॉटरी पेंसिल सर्जन को देते हैं, तो सर्जन का यूज़ होने के बाद ध्यान से और याद से आपको कॉटरी पेंसिल उनके हाथ से लेके ट्रॉली पे रखना है, क्योंकि अगर कॉटरी पेंसिल वहाँ पे पड़ी रही इंस्ट्रूमेंट के बीच में तो किसी को भी बर्न हो सकता है। तो इसलिए हमें असिस्ट करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि कॉटरी पेंसिल शुड बी ऑन ट्रॉली। उसके बाद जब भी आप लोग सर्जन को फर्स्ट टाइम कॉटरी देंगे तो उसके पहले आपको चेक करना है कि कट एंड कोएगुलेशन की पावर बराबर है कि नहीं और वो वर्किंग है कि नहीं। तो आपको ये येलो और जो कोएगुलेशन का ब्लू बटन है वो प्रेस करके चेक करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, बाइपोलर जो होती है पेंसिल वो इस तरह से होती है, उसको दो पोल्स रहते हैं और एकदम फोरसेप की जैसे इसके टिप रहते हैं, तो ये कोएगुलेशन के लिए यूज़ होती है। बाइपोलर कॉटरी को अटैच करते हैं, इसे कहते हैं बाइपोलर पेंसिल, कॉटरी पेंसिल। और ये जो है अपनी मोनोपोलर होती है, जहाँ पे सिंगल ब्लेड रहता है। अभी दूसरी जो चीज़ आती है उसमें कॉटरी पेंसिल को हम लोग ऑटोक्लेव नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टराइल कैसे रखनी है, तो हमें ऐसा एक बॉक्स लेना पड़ता है और कॉटरी पेंसिल उसमें रखते हैं, उसमें फॉर्मेलिन के टैबलेट्स बांध के रखती है। इस तरह से यहाँ पे है, ये देखिए फॉर्मेलिन के टैबलेट इसमें बांध के हम लोग ये बॉक्स में रखते हैं, जिसके वजह से कॉटरी पेंसिल जो है वो स्टराइल कर सकते हैं। और जब भी पेशेंट का यूज़ होने के बाद वो ब्लड से पूरी भर जाती है, आपको क्लीन करना है, तो आप स्पिरिट लगा के उसे पहले क्लीन करना है, पूरी वायर वगैरह सब उसकी, और उसके बाद में ये बॉक्स में रखना है। एंड प्लीज़, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस में बता सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।